अभी अप्रैल का महीना आया भी नहीं है और मार्च के महीने में ही चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी है। देश के कई हिस्सों में सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग और लोधी रोड में 20 मार्च यानी रविवार को तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया। ये तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। वहीं पीतमपुरा में तो पारा 39.9 डिग्री तक चला गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2013 में दिल्ली में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया था। दिल्ली का जहाँ बात करें, दिल्ली में तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा 5 से 6 डिग्री चल रहा है। लास्ट 10 दिन हो गया और सभी को मालूम होगा कि जो बारिश जो होता है मार्च महीने में, इस साल नहीं हुआ। तो 25 फरवरी जो है लास्ट टाइम बारिश हुआ था दिल्ली में, तो पिछले 25 दिन हो गया रेन नहीं है। इसके वजह से जो तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा हुआ है कि कहीं हीट वेव चल रहा है या कहीं हम लोग रेड कलर वार्निंग, ऐसे कुछ नहीं है। और अगले 7 दिन तक भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हीट वेव का कोई वार्निंग नहीं दे रहा है। तो दिल्ली का तापमान जो है ज्यादा से ज्यादा 38 जा सकता है नेक्स्ट 5 डेज में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस साल ऐसा क्या हो गया कि समय से पहले ही आसमान से आग बरस रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार आगाह कर रहा है कि इस बार ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। IMD के मुताबिक आमतौर पर राजस्थान में मार्च के आखिरी में बनने वाली एंटी साइक्लोन इस बार जल्दी बन गया है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं है, इसकी वजह से थार मरुस्थल और पाकिस्तान से गर्म हवाएं आने लगी हैं, जो तापमान को बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और ऊपर जा सकता है। वहीं स्काई मेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत के मुताबिक इस बार मौसम की स्थिति सामान्य नहीं है, गर्मी समय से पहले आ गई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू अभी से ही चलना शुरू हो गई है। दिल्ली समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान बांसवाड़ा में 42.4 डिग्री दर्ज किया गया, फलोदी में 42.2 डिग्री, डूंगरपुर में 41.7 डिग्री, टोंक में 41.3 डिग्री पारा चढ़ गया है। वहीं अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर है। इन इलाकों में मार्च में ही गर्मी अधिक होने से दोपहर में लू जैसा एहसास हो रहा है। आलम यह है कि रात में भी लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अभी से ही गर्मी ने अपना रंग दिखा दिया। रविवार को प्रदेश के 4 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब बात आती है कि मार्च के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी का देश के किसान पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं। किसानों का कहना है कि ज्यादा गर्मी में गेहूं समय से पहले पकने की संभावना है। खेतों में नमी घटेगी तो गेहूं का दाना सिकुड़ सकता है और ऐसे में उत्पाद कम होने का भी डर है। वहीं कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि गेहूं का दाना सामान्य तापमान में पकता है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने पर दाना न तो अच्छी तरह फूलता है और न ही सही ढंग से पक पाता है। अधकपा और सख्त दाना होने से गेहूं के स्वाद में भी कमी आ जाती है, जिससे गेहूं की पौष्टिकता भी कम हो सकती है।